नमस्कार, मैं हर्षवर्धन आप सभी का स्वागत करता हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन दिया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा। 8 अगस्त का दिन देश के स्वतंत्रता संग्राम में खास महत्व रखता है। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया था। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। हालांकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर में कार्यकर्ता हड़तालों आदि के जरिए आंदोलन चलाते रहे। पश्चिम में सतारा और पूर्वी में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इसे दबाने में साल भर से ज्यादा का समय लगा। तेजस्विनी सावंत आज के दिन बनी थी विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। तेजस्विनी सावंत ने 8 अगस्त 2010 को म्यूनिख में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। इस श्रेणी में यह प्रतियोगिता जीतने वाली वह प्रथम भारतीय महिला बनी। तेजस्विनी ने रूसी निशानेबाज मरीना बोबकोवा के 12 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की थी। इसके बाद उन्हें हथियार बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी वाल्टनर ने अनुबंधित कर लिया था। तेजस्विनी की माँ सुनीता राज्य स्तर पर क्रिकेट और वॉलीबॉल की खिलाड़ी रही हैं। उनके पिता रविंद्र सावंत नौसेना में अधिकारी थे। एटी मार्शल ने आज के दिन करवाया था रेफ्रिजरेटर का पेटेंट। 8 अगस्त 1899 को अल्बर्ट टी मार्शल को पहला रेफ्रिजरेटर पेटेंट जारी किया था। इसमें जरूरत पड़ने पर स्वचालित मोटर कट ऑफ और रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को स्वचालित रूप से विनियमित करने का साधन शामिल था। अल्बर्ट ने और भी पेटेंट दाखिल किए और उन्हें ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेशन कंपनी को सौंप दिया, जिसने 1914 में अपना पहला घरेलू रेफ्रिजरेटर पेश किया। 1918 तक उन्होंने अपना पहला ऑटोमेटिक कंट्रोल वाला रेफ्रिजरेटर पेश किया। आज के दिन हुआ था प्रसिद्ध लेखक भीष्म साहनी का जन्म। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी पाकिस्तान में 8 अगस्त 1915 को हुआ था। देश के विभाजन के बाद वे भारत आ गए और भारतीय जन नाट्य संघ, प्रगतिशील लेखक संघ और अफ्रो एशियाई लेखक संघ से जुड़े रहे। वे साहित्य अकादमी के कार्यकारी समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने करीब 2 दर्जन रूसी किताबों का हिंदी में रूपांतर किया। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। उनके साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिरोमणि लेखक अवार्ड, लोटस अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और पद्म भूषण से विभूषित किया गया। उनके उपन्यास तमस पर फिल्म का निर्माण भी किया गया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।